नमस्कार, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई लेकर आए हैं, जिसका नाम है नारियल की लीची। तो बनाते हैं नारियल की लीची और देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले नारियल का बुरादा लिया है, जो कि बड़े वाला 1 कप है, यानी कि 250 ग्राम। 250 ग्राम ही पिसी हुई चीनी है और यह है 50 ग्राम पोसत के दाने, यानी कि खसखस ली है। 4 चम्मच मिल्क पाउडर है और 1 चम्मच बड़े वाला घी का लिया है। दूध है, जो कि हाफ बाउल दूध है, यानी कि आधा कप, और यह मैंने रेड कलर लिया है, जिसे मैंने पानी में घोला हुआ है। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी लेंगे। घी जब पिघल जाएगा तब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम कम रखा है और इसे ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं चलाना है, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है। यह हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, जो कि 100 ग्राम हुआ। इसे भी थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसके अंदर चीनी मिक्स कर देंगे। चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें दूध डालना है, दूध एकदम कम डालना है, यानी कि 3-4 चम्मच दूध के, और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब डो बनकर तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब थोड़ा थोड़ा डो लेना है और इसे राउंड कर देना है, यानी राउंड शेप में, यानी कि जैसे चमचम होती है एज इट इज, वैसे ही हम पूरे डो से पूरी राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको ये थोड़ा बहुत चिपचिपा लगता है तो आप अपने हाथ पर घी लगाकर और फिर इसे अच्छे से बना सकते हैं। ऐसे ही सबको राउंड शेप दे दी है। अब ये तैयार है। अब कढ़ाई में खसखस के दाने डाल देंगे और इन्हें सिर्फ कम गैस पर 1 मिनट के लिए भूनना है। भून चुके हैं। अब प्लेट में डाल देंगे और ऊपर से इसमें रेड कलर डाल देंगे और इन सब में अच्छे से रेड कलर को मिक्स कर देंगे, जैसे कि कोई भी दाना रह नहीं जाए। और अब हम इसमें नारियल की लीची बना देंगे, जिसमें कि पूरा इसको लपेट देंगे। जो हमने राउंड शेप दी है उसको पूरे को हमने इन खसखस के दानों से लपेट दिया है और इन्हें रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि ये नारियल की लीची जैसी लगे। ऐसे ही वन बाय वन मैंने सभी को रेड कलर में लपेट दिया है। यह मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अंदर से एकदम वाइट और ऊपर से रेड। तो नारियल की लीची बनकर तैयार है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें।